हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको आ की मात्रा यानी छोटे आ की मात्रा पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये पेज नंबर 11 पे है, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्वर आ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन यह हर व्यंजन से में छिपा होता है। यानी कि आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन ये हर एक व्यंजन में छुपा हुआ होता है। हम इसको दिखाते नहीं हैं, हम कभी भी मतलब छोटे आ की मात्रा को नहीं दिखाते निकाल के। ठीक है, तो ये हर एक व्यंजन में छुपा होता है। जैसे क, अब मैं आपको बताती हूँ, क क जब हम बोल रहे हैं तो आपको पीछे आ की ध्वनि सुनाई दे रही है कि नहीं, तो क क में पीछे आ की ध्वनि आ रही है। ख ख में भी आ रही है, ग ग में भी आ रही है, घ घ में भी आएगी। ठीक है, तो इसी तरह से हमें आ की ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन हम आ को लगाते नहीं है। ठीक है, अब आ के बिना का के नीचे हलंत का चिन्ह लगाया जाता है। आ के बिना हम का के नीचे हलंत ये वाला चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे का के नीचे हलंत लगाए, खा के नीचे हलंत लगाए और गा के नीचे हलंत लगाए। ठीक है, तो अब यहाँ देखो टमटम टमटम दिया है। टमटम में सभी चार व्यंजन है, चारों व्यंजन में आ को अलग कराया है। देखो ट आ मा आ ट आ मा आ। ठीक है, इस तरह से ऐसे फल में भी देखो किया है, कमल कमल में भी किया है। तो ये हम आ की मात्रा लगाते नहीं है, लेकिन ये हर एक व्यंजन में छिपा हुआ होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको असाइनमेंट में इसी तरह से आपको 10 शब्द दूंगी, आपको वो 10 शब्द अच्छे से करने हैं। और याद रखिएगा, ये हलंत जरूर लगाना है आपको, ये हलंत। ठीक है, तभी अगर हम पूरा लिख रहे हैं, आ की मात्रा नहीं दिखा रहे हैं, तो हम हलंत नहीं लगाएंगे। अगर हम ये धन करके आ की मात्रा दिखा रहे हैं, तो हम यहाँ पे हलंत जरूर लगाएंगे। ठीक, आप अच्छे से अपना वर्क करेंगे, गुड हैंड राइटिंग है।